नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर सीएम भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। शिवभक्तों के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व, यह कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। भगवान शिव से की सुख समृद्धि की कामना। श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है महाशिवरात्रि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं दी हैं। भगवान शिव से की सुख समृद्धि की कामना। श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है महाशिवरात्रि, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है महाशिवरात्रि। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के महोबा बाजार स्थित मीडिया सेल पहुंचे और वहां शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने इस दौरान मीडिया सिटी में ही नव निर्मित शिवालय परिसर का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मीडिया सिटी में भगवान शिव के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है शिवलिंग। कोई भी तीज त्योहार हो, भगवान शिव और मां शक्ति को स्मरण किए बिना यह पूरा नहीं होता। मीडिया सिटी परिवार के इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। रायपुर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया सिटी में शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि कोई भी तीज त्योहार हो, कोई भी पूजा अर्चना हो, इस मौके पर शिव और शक्ति की पूजा जरूर होती है और शिवलिंग शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है। मुख्य बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। पेट्रोल व डिझेल मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण तसेच डिझेल डिलिव्हरी उपलब्ध चाकण पेट्रोल डेपो चाकण। सर्वांना महाशिवरात्री व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। संपर्क 8886662666। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शक्ति जिले में ग्राम पंचायत खुंटा डहरा के आश्रित ग्राम भूरसी डीह के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी अधिकारियों द्वारा इनकी समस्याओं का कोई सार्थक समाधान करने की पहल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और पानी के बिना अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जनता कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके प्रयासों की सराहना की और उसका समर्थन किया।
एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के अंतिम छोर के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों की उदासीनता के कारण सक्ती जिले के ग्राम पंचायत खूंटागढ़ डेहरा के आश्रित ग्राम सवरिया डेरा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने के लिए पानी, बिजली और सड़क के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आइए जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण, इनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं और अधिकारियों के पास से इनको क्या आश्वासन मिला है। आपका नाम? विष्णु। कहाँ रहते हैं आप? खूंटादरा पंचायत। हाँ, क्या समस्या बताएंगे? समस्या सर, मैंने जो समय मैंने अभी कलेक्टर ऑफिस है उसी पास पहले घर द्वार बने रहे है, तेकर बाद मैंने घर टोरिस ना ते समय जाके अपन जो मेरे साधन है उसी वो रहो ऐसे, क्योंकि मैंने बोली से 15 दिन ले मेरा मैंने डेरा लगा के मेरे रहिन है जिस समय घर टूटी ते समय, तेकर बाद कोई साधन नहीं बनी से अपन अपन कुछ साधन करके मैंने जाके अपन घर में खेत खार में कहीं मेरे मैदान में ऐसे घर द्वार बन चुके हैं। और अभी मैंने उस समय बोल रही से वो घर टूटे रहते समय मैंने दूठा बोरिंग करके साधन करके देंगे, रोड बना के देंगे, तो अब रोड नहीं बना सकीस न तो बोरिंग बना सकीस, तो अभी पूरा मैंने पानी के लिए बहुत दुख पात हैं और रोड के लिए दुख पात हैं। अब हमारे मैंने कूटादरा सरपंच करा जाते हैं तो वो बोला थे अभी लेट माँ बनेगा ऐसे कहा थे, तो ओकर लिए मैंने अब जेठा के सिवाना है जेठा वाला मैंने बनाएगा ऐसे कहा थे, और जेठा वाला जा कर जाया गया था, जेठा वाला बोले तो कूटादरा से मैंने पंचायत से अपन मैंने पूरा राशन कार्ड को काट के लाना यहाँ जोड़ेगा तो बनेगा कहा थे, इसी के लिए मैंने हमारा तकलीफ है और हमारा रोड चाहिए और बोरिंग चाहिए और बिजली चाहिए। तो अभी पीने के पानी के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ पानी लेने जाते हैं? पीने के लिए मैंने हाँ जेठा रेलवे स्टेशन मैंने फाटक है उसी पास मैंने पानी पीने के जाता है, और बरसात के दिन पूरा करहान में पानी पीता है तभी करहान पूरा पटा जाता है, और स्नान खोलने के लिए पानी नहीं है और पीने भी के पानी नहीं है। सड़क की भी सुविधाएं नहीं है बता रहे हैं, सड़क बारिश के समय में क्या समस्या थी बताएं? बरसात के लिए तो पूरा तकलीफ है, 6 महीने घर से बाहर निकला तो नहीं बनता है, आके मौका में देख लेना सब सर मैंने ऑफिसर आदमी, फिर मेरा पूरा तकलीफ है, मैंने लोग लेकर उनको पढ़ाए के लिए मैंने नहीं जा सका है न तो घर घर में रहता है और सबके तकलीफ है। आपने अपनी समस्या के लिए अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की क्या? हाँ चर्चा किया ना भाई, मैंने अभी बोले तचने मैंने कूटादरा सरपंच के बोलिया और हमारे गांव के सरपंच के बोलिया, तो हमारे गांव के सरपंच बोल रहे थे मन थोड़ा लेट में बनेगा ऐसे कहा थे, और यहाँ के बोले गए तो हमारे वहाँ के राशन कार्ड कटवा के लाए गए तो फिर बनेगा कहा थे, उसे तकलीफ मैंने हो चला थे। कलेक्ट्रेट भी गए थे आप लोग वहाँ, क्या आश्वासन से गए हैं? अभी मैंने एक हफ्ता के पहले तो कलेक्टर मैडम को भेटा और उसके बाद मैंने दरखास्त वहाँ दिया और सोमवार के फिर जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ ग्रामीणों से जानेंगे क्या और क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? राजू गौड़। हाँ, क्या समस्या बताएंगे? ये समस्या है हमारा ठीक बोरिंग के चाहिए और रोड चाहिए और लाइन चाहिए। तो अभी पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं आप पीने के लिए पानी के लिए? पानी के लिए जेठा फाटक करा जाता है, तो बोरिंग को अभी बोर करवा दिया है, अपना परमिटी बोरिंग है तो बोर करवा दिया है, अब पानी के लिए तो 2 किलोमीटर जाता है आसपास में। तो अधिकारियों का क्या कहना है इसके लिए? कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के पास आपने आवेदन किया था, तो क्या कहना है अधिकारियों का? वो तो सुनता नहीं पाता है, गैर या 2-4 गांव गया है मगर सुनता नहीं पाता है वो आदमी अभी कलेक्टर मैडम को। यहाँ पर मौजूद है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे शक्ति विधानसभा प्रभारी अर्जुन राठौर, इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ पहल कर रहे हैं इन ग्रामीणों की समस्या के लिए। आपका नाम? मैं अर्जुन राठौर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे विधानसभा शक्ति का प्रभारी हूँ। ये ग्रामीणों की जो समस्या है उनका आप उसके लिए कुछ पहल कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे? ये जहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं आदिवासी भाई लोग, विगत 2 साल पहले से हम इसके पीछे भिड़े हुए थे कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो जाए जिससे मलेरिया का प्रकोप छोटे बच्चों को ना पड़े। अभी पता चला कि इनकी जहाँ पर से लोग पानी का व्यवस्था बना हुआ था वो पानी भी इनको नहीं मिल पा रही है। विगत 4 दिन पहले ये लोग हमारे पास गए, बताए कि ऐसा सा बात है, तो हमने कलेक्टर महोदय के ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया है और मुलाकात नहीं हुई मैडम को, सोमवार को मुलाकात होगी। तो क्या कहना है कलेक्टर मैडम का, क्या आश्वासन दिया गया इसके लिए? मैंने मैडम को टेलीफोन के माध्यम से बताया कि मैडम ये पूर्व का पेंडिंग कार्यक्रम है और वहाँ पर आदिवासी भाई लोग 4 वर्षों से लगातार निवास कर रहे हैं, आपके कार्यालय का जहाँ पर निर्माण हुआ है वहीं से इनको उठा के स्थानांतरण किया गया है। तो मैडम बोली हाँ हाँ ठीक है,
लेकिन उनकी कथन के अनुसार मुझे नहीं लगा कि वो एकदम एक्टिव होके इस पे ध्यान देंगे। मैंने बताया कि मैडम छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां से लोग पानी लाते थे वो यहाँ पर जस्ट बगल पे मंगल मिनरल करके एक खदान है और उस खदान पे बोरिंग लगा हुआ है, उस बोरिंग से पानी लाते थे, लेकिन खदान वालों ने उस बोरिंग को बोर पे तब्दील कर दिया और यहाँ उनको पानी नहीं मिल पा रही है। तो बोले चलिए देखते हैं, ये उनका कथन रहा। हर खबर न्यूज चैनल के लिए सख्ती से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। महाशिवरात्रि व छत्रपति शिवाजी महाराज जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक हॉटेल राजरत्न, संपर्क 7720-00-59-09। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर सुकमा से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत झापरा से बुढ़दी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क मार्ग जिला मुख्यालय से ओडिशा को जोड़ने वाली मार्ग है, जिससे हजारों की संख्या में आवाजाही होगी। ऐसे में सड़क का निर्माण गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, जिससे सड़क की डामर उखड़ जा रही है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। वही जब मामले में हमारी टीम ने गंभीरता को देखते हुए मामले को उठाया तो जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि ऐसे ठेकेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो मांग करेंगे सरकार से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूं सुकमा जिले के भेलवापाल के पास में। अभी जो ये जो प्रधानमंत्री सड़क है, अभी न्यू निर्माण किया जा रहा है। थोड़ा सा इधर आएंगे, इधर की तस्वीर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, यानी कि धूल और मिट्टी है और कुछ कुछ पौधे हैं, उसके ऊपर से ही डामरीकरण किया जा रहा है। तो इससे यानी कि हम साफ जाहिर हो रहा है, साफ बता देना चाहूँगा, यहाँ पर बिल्कुल गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण करने का प्रयास किया है। उधर अगर हम चलते उधर की तस्वीर लेते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आइएगा, तो ये जो तस्वीर हम बताते हैं, क्योंकि धूल और मिट्टी के साथ में यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते छीटड़े उड़ रही है सड़क, यानी क्या गुणवत्ता ही बताया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यहाँ पर कार्य निर्माण नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ठेकेदार बड़ी लापरवाही को यहाँ जन्म दे रहा है और ये लापरवाही यहाँ के जनता यहाँ को भुगत सकती है, क्योंकि यहाँ की जनता इस सड़क मार्ग होते हुए जाने होता है, क्योंकि समय से पहले उखड़ कर स्वाहा हो सकती है। तो अभी यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी चर्चा करेंगे, तो चलते हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? तो बघेल जी, अगर ऐसे सड़क निर्माण धूल और मिट्टी है और उधर झाड़ मने छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसके ऊपर से अगर सड़क निर्माण होगा तो क्या सड़क टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगा, मैं ये कल से देख रहा हूँ, मैं ये सड़क बहुत धूल मिट्टी से पूरा लगा हुआ है। जी जी, इनसे भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, आगे और चलते हैं, कुछ यहाँ के मजदूरों से भी जानकारी पहले लेते हैं। तो आइएगा, कैसे बाबू? इधर आओ, इधर आओ। कब से काम कर रहे हो? आना पास आना, पास आओ, बोलो ना क्या नाम है? रमेश। कब से, आज से कर रहे हो? यानी कि बाल मजदूरी देख सकते हैं, बाल मजदूरी भी करा रहा ठेकेदार, ये भी दंड अपराध है देखा जाए तो। यानी कि ठेकेदार बाल मजदूरी करा रहे, वहां तक क्या लो, वो कानून अपने का काम कर लेगा, पर यहाँ देख सकते हैं सड़क निर्माण क्या बोले इसको, ऐसे करने के लिए ऐसी बनाओ बोले। अच्छा, यहाँ पर तीन बाल मजदूर देखने को मिल रहा है। ठेकेदार तो पर तो लापरवाही का, यहाँ सड़क निर्माण पर तो लापरवाही है ही, मगर बाल मजदूर भी लगाकर कार्य निर्माण किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इनसे भी थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा। क्या नाम है आपका सरपंच? एक मजबूत रहा है और अच्छा से बना रहा, लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है यहाँ पर बहुत ही गुणवत्ता के साथ में जो जिस प्रकार से खेल या भ्रष्टाचार को जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बिना साफ सफाई किए बिना, और यहाँ पर जो है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं जंगल के ऊपर में, धूल के ऊपर में, है ना, जो डामरीकरण करने का जो ठेकेदारों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा देने का जो काम कर रहा है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई
करने के लिए हम कलेक्टर को जो है ना कल इसका आवेदन देंगे हम, और इस ठेकेदार के ऊपर में जो है ना कार्रवाई हो, और इस रोड को बुर्दी से जो रोड बना है जो गुणवत्ताहीन बना है और बहुत ही जो है खराब रोड बना है, इसको तत्काल इसको फिर से पुनः जो है ना पूरा उखाड़ करके फिर से जो है ना बनाने के लिए हम लोग निवेदन करेंगे, और ऐसे ठेकेदारों के ऊपर में जो है ना इनके लाइसेंस रद्द करने का भी अपील करेंगे, जो कि गांव में बड़े मुश्किल से सड़क बनते हैं। पिछले 2 साल से इस क्षेत्र के हमारे पूरे नदी इस पार के क्षेत्र के 2 साल से सड़क का जो सामना किया, यहाँ पर जो है सड़क जो दुर्दशा था, जो जर्जर स्थिति था, जिसमें कई प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिला, कई लोगों के जान भी चला गई, लेकिन बड़े मुश्किल के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का जब यहाँ पर स्वीकृति होता है, केंद्र सरकार जब पैसा देते है यहाँ पर सड़क बनाने के लिए, उन पैसों को जो है ना छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ना कांग्रेस की सरकार और यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो कुछ अधिकारी मिल करके उसको भ्रष्टाचार और कमीशन कोरी में चढ़ाने के लिए जो है ना इस प्रकार से गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है, इस पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर हम जो है कलेक्टर जिला प्रशासन को तो लिखेंगे, साथ में केंद्र सरकार को भी, हमारे सांसद महोदय को भी हम जो है ना लिख करके इसका अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी बाल मजदूर दिख रहे हैं, तो इन पर क्या ठेकेदार पर एक्शन? तो छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल के पहले ही दिन राजधानी रायपुर का नेताजी सुभाष स्टेडियम मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से महक उठा। यहां भारत की नामी शेफ गुंजन गोयला ने स्वाद और सेहत से भरपूर व्यंजन बनाना सिखाया और दर्शकों को खिलाया। आपको बता दें कि उन्होंने बाजरे मटर और पुदीने का सूप, बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की रोटी, गुड़ चूरमा जैसे पकवान बनाए और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आई सजेस्ट जो पाचन क्रिया है वो पूरी हो जाए, जो हमारी गट की लाइनिंग है उसको वो सारे एंजाइम्स मिले जो कि खाना पचाने में हमारे को हेल्प करते हैं। क्योंकि फाइबर वो जो कि मिलेट बहुत हाई फाइबर डाइट है, इसलिए बराबर का घी बहुत जरूरी है। हम समझते हैं घी हमारे घी से हमें परहेज करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको घी बिल्कुल खाना चाहिए और देसी घी इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, व्हेनेवर यू आर कुकिंग मिलेट्स, ट्राई एंड बैलेंस योर फैट्स, एंड गुड फैट्स आर फ्रॉम घी, देसी घी या मक्खन। इसमें मैंने 5 घंटे आपको इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ क्योंकि जब तक मिलेट पानी नहीं पियेंगे वो सॉफ्ट नहीं होंगे, और सूखा मिलेट बचाना बहुत मुश्किल है, वो आपने यहां से खाया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। महाशिवरात्रि व छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संचालक खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ तथा संचालक हॉटेल शालीमार श्री बाळासाहेब साणभोर राजगुरुनगर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। बहुत सारी जानकारी विशेषज्ञों ने आपको दी, विभाग के द्वारा भी जो अभी तक के उपलब्धि है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी, रागी हमारी छत्तीसगढ़ में होने वाली फसलें हैं। ज्वार, बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत आयात पे होता है, कर्नाटक में रागी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी हमेशा से बोया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे उन जमीनों में इसका उत्पादन करते हैं जिसमें सिंचाई नहीं के बराबर है, जो असिंचित रकबा है उसमें कोदो कुटकी या फिर उसके साथ मिक्स फसल, उसमें चाहे अरहर डाल दें, ज्वार डाल दें या मक्का डाल दें, इस प्रकार के फसल। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।
पेट्रोल व डिझेल मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण तसेच डिझेल डिलिव्हरी उपलब्ध चाकण पेट्रोल डेपो चाकण. सर्वांना महाशिवरात्री व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. संपर्क 8886662666. महाशिवरात्री व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक हॉटेल राजरत्न. संपर्क 77200059. महाशिवरात्री व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संचालक खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ तथा संचालक हॉटेल शालिमार श्री बाळासाहेब साणभूर राजगुरुनगर. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. तो चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल में. आप ये दिखा रहे हैं, गांव वाले जान जाते थे कि इसको सुगर हो गया है, इसलिए उसको उपयोग कर रहे हैं. नहीं तो कोदो भात खाने की बात तो नहीं थी कि क्योंकि सुगंधित चावल का उपयोग करते थे, बढ़िया जो 2-3 साल पुराना धान का उपयोग करते थे. और कोदो कुटकी को किसान है वो सामान्यता जो बड़े किसान है उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अपने कोठी में जरूर वो डाल डाल के रखते थे. ये ऐसा बीज है जिसको आप 12 साल भी आप अपने कोठी में रखे रहिए, खराब नहीं होता. धान या गेहूं तो यदि आप उसको पेस्टिसाइड मिला के या ढक के नहीं रखे तो फिर वो तो सुंडी पूरा जो चावल है धान है वो पूरा खा जाता है, वो केवल भूसा रह जाता है. उसी प्रकार से गेहूं भी डंक लग जाता है. कोदो एक ऐसा फसल है जिसमें कोई डंक नहीं लगना है, जिसके बारे में संजय जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि इसमें कोई बीमारी लगती नहीं है. और तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें दवाई भी नहीं लगता. दवाई ना लगे तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है इसे बताने की जरूरत नहीं है. आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो फसलों में जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसके कारण से, चाहे बीपी हो, शुगर हो, बड़ी बीमारियां, चाहे उसमें कैंसर तक के कह सकते हैं, वो सारी बीमारियां इन कारणों से भी होने का एक कारण ये भी है. लाइफ स्टाइल तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी हमारे बहुत हैं. और वो जो इकट्ठा करके रखते थे, मैं उसको छोड़ दिया था, यदि 10 साल 12 साल तक के यदि आप रखे रहें तो ऊपर भी खराब नहीं होता, बशर्ते उसमें पानी मत पड़े. पानी पड़ा तो वो फिर खाने के लायक नहीं रह जाता, जानवर भी नहीं खाते, न खिलाना चाहिए. पानी पड़े हुए कोदो कुटकी कभी नहीं खाना चाहिए, फिर फूड पॉइजनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता. तो उस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए. दूसरी बात यह है कि वो इसलिए रखते थे यदि कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो फिर वो जो कोदो है वो फिर परिवार को पालने के लिए, घर में भोजन के लिए वो फिर उपयोग में आता था. तो इसलिए कोदो जरूर उत्पादन करते थे किसान. अब उसका उत्पादन कम हो गया तो बड़ी परेशानी. कोदो के बारे में आप सबने बताया, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, सारे मिनरल्स उसमें भरे पड़े हैं और शुगर कम से कम है. तो अब स्थिति बदल गई है. ये गरीब लोगों का भोजन नहीं बल्कि ये अमीर लोगों का भोजन है, क्योंकि डायबिटीज आज सबको होने लगा है. बहुत कम वो लोग होंगे जिसमें डायबिटीज ना हो. तो ऐसे समय में केवल आप गेहूं की रोटी न खाएं बल्कि कोदो कुटकी के भी भात यदि चावल खाना चाहें तो ज्यादा अच्छा है. इसलिए आपके थाली में कोदो, ये जो मिलेट्स है वो आपके थाली में, भोजन के थाली में अवश्य होना चाहिए. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.